नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, एक बार फिर आ गया हूँ बिटकॉइन से संबंधित ये दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में मैंने बिटकॉइन से संबंधित कुछ कीवर्ड्स और बिटकॉइन की मीनिंग और उसका उपयोग बताया। अब उसी पे कुछ आगे का इंसाइट आप लोगों को देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है समझना, लेकिन आप लोग समझेंगे तो फिर आप लोग क्या नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर ऐसा कहा जाता है जो अलग अलग बिटकॉइन से संबंधित न्यूज आते हैं उसके हिसाब से पूरी दुनिया में जितना बिटकॉइन ट्रेड हुआ है, जितने वैल्यू का बिटकॉइन ट्रेड हुआ है, केवल इंडिया तो उसका 20% ट्रेड कर लिया। इंडिया से ऊपर एक ही कंट्री थी जिसने इतना ट्रेड किया, वो है अमेरिका। आप सोचिए, अमेरिका में जितने एक्सपर्ट बैठे हैं उनको सब मालूम है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसके बाद भी वो इंडिया से थोड़ा सा ही ऊपर है। इंडिया को कुछ नहीं मालूम तो भी इतने फास्ट मूवर है, इतने फास्ट डिसीजन मेकर है कि वो इसमें तुरंत घुस गए और इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर डाला। फायदा नुकसान अपनी जगह। इसका मतलब यह है कि अगर प्रॉपर जानकारी मिले तो, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे, फाड़ देंगे आप लोग। ध्यान से सुनिएगा, आगे का बात बता रहा हूं। बिटकॉइन में क्या है कि जब भी हम, पहले बिटकॉइन से पहले समझते हैं कि नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे होता है, फिर आप बिटकॉइन पे आते हैं। नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना हो और मैं डेबिट कार्ड यूज कर रहा हूं, या तो मैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहा हूं, मुझे पेमेंट कैसे करना होगा, या तो मैं डेबिट कार्ड यूज करूंगा या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करूंगा या फिर कोई भी बैंकिंग चैनल यूज करूंगा, राइट। मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूं, कैश ब्लैक इकोनॉमी है या फिर वो नॉर्मल यूसेज नहीं है। जब भी हम लोग स्टैंडर्ड बात करें, तो जब भी मैं डेबिट कार्ड यूज करूं, क्रेडिट कार्ड यूज करूं या कोई भी बैंकिंग चैनल यूज करूं, तो उसमें बैंक तो बीच में आ रहा है ना। या वीजा कार्ड यूज करूं या मास्टर कार्ड यूज करूं या रुपया कार्ड यूज करूं, ये कोई भी कार्ड यूज करता हूं, तो क्या होता है, मेरे ट्रांजेक्शन के बीच में एक बैंक आ जाता है या एक रेगुलेटर आ जाता है, ये RBI आ जाता है, उसमें उसके थ्रू ट्रांजेक्शन मूव होकर, प्रोसेस होकर फिर आगे जाता है, फिर उसकी OTP आती है, फिर हम लोग आगे का काम करते हैं, राइट। ऐसे ही होता है। अब इसी चीज में ये जो मध्यस्थता है, ये बीच के जो बैंक है या रिजर्व बैंक है या फिर ये वीजा है या मास्टर कार्ड है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कोई कंट्री बनाता है या फिर काफी सारे कंट्री मिलकर एक्सेप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन का सीक्रेसी नहीं रहता। ये फायदा है कि नुकसान, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ट्रांजेक्शन सीक्रेसी नहीं रहता, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ट्रांजेक्शन करना है, बीच में सबको बताते हुए जाना पड़ेगा। ऐसा महसूस किया सातोशी नाकामोतो ने और बाकी पूरी दुनिया को बताया कि क्यों ना ऐसा बनाया जाए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ट्रांजेक्शन में बीच में कोई ना आए। यही बिटकॉइन, जो कि हमारा पहला क्रिप्टो करेंसी है, ये करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांजेक्शन होता है और बीच में किसी को पता भी नहीं चलता। जो व्यक्ति इस ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है, ध्यान रखिएगा, मैं इस सेकंड वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो व्यक्ति इस ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए हेल्प करता है, उसको माइनर बोलते हैं। एक बार फिर बता दो, इस वीडियो का कीवर्ड माइनर है, MINER, माइनर, जो माइनिंग करता है। माइनिंग क्या होता है आपको बताता हूं, माइनिंग क्या होता है, कोई भी व्यक्ति एक प्रॉपर हार्डवेयर, जिसका डिस्क्रिप्शन, अलग अलग तरीके के हार्डवेयर होते हैं वो, जैसे एंट माइनर या फिर और भी काफ़ी सारे माइनिंग मशीन, कंप्यूटर्स और हार्डवेयर्स होते हैं, वो माइनर में हम लोगों को ट्रांजैक्शन, ये जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है क्रिप्टो करेंसी का, अपन बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन का, तो ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, वो कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। उस सीक्वेंस को अगर हम अपने कंप्यूटर में या माइनिंग मशीन में डालें और माइनिंग मशीन चालू कर दें और बिजली चल रही है, कंप्यूटर 24 घंटा चल रहा है, तो ये सॉल्यूशन पूरा करता रहता है मशीन। और ये जो सॉल्यूशन करता रहता है ना, एक्चुअल में ये वो मेहनत है जिसके कारण एक व्यक्ति का ट्रांजेक्शन दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बन रहा है, ये जो सॉल्यूशन हो रहा है। माइनर क्या करता है, एक बार फिर से बता दूं, वो माइनिंग करते रहता है और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन का पूरा फैसिलिटेट करता है। ट्रांजेक्शन होता ही माइनिंग के कारण है, माइनिंग नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। माइनिंग क्या करता है, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है प्रॉब्लम सॉल्व कर करके,
और जब ये माइनिंग होते रहती है, ट्रांजेक्शन वेरीफाई होते रहता है, तो जैसा जैसा जो जो होता रहता है उसमें टाइम स्टैम्पिंग होते चली जाती है। ये टाइम स्टैम्पिंग मैंने आपको बोला था, जिस समय जो होगा उस समय की टाइम वहां पे रिकॉर्ड होती चली जाएगी डिजिटली, वैसे भी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद भी डिजिटली पूरी टाइम रिकॉर्ड होती चली जाएगी। और ये टाइम स्टैम्पिंग के कारण कोई इस रिकॉर्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये यूनिवर्सल लेजर है या यूनिवर्सल रिकॉर्ड है जो कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। माइनिंग, ये माइनर को क्या मिलता है ये मैं अभी बताने वाला हूं। दोस्तों, बिटकॉइन अगर आपको चाहिए तो तीन चार तरीके हैं, तीन है बेसिकली। सबसे पहले तो आप खरीद लो। खरीदोगे कैसे? आप बिटकॉइन के बदले फिएट करेंसी दे दो। फिएट करेंसी का मतलब, सपोज करिए मैं इंडिया में रहता हूं तो इंडिया का फिएट करेंसी रुपया है, अमेरिका में रहूंगा तो वहां का फिएट करेंसी डॉलर है। तो जो किसी देश का गवर्नमेंट जिस करेंसी को उनके जो पीयर बैंक है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी अथॉरिटी से एक एक्सचेंज का मीडियम मानते हैं, वो फिएट करेंसी है, मतलब नॉर्मल करेंसी जो हम बात करते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी से आते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। तो हम, और अच्छा एक चीज और, ये बिकते कहां पर है? बिटकॉइन के लिए खरीदने बेचने के लिए या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के खरीदने बेचने के लिए एक्सचेंज होते हैं, उस एक्सचेंज में बिकता है ये क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्जाम्पल बिट्रेक्स हो गया, पोलोनिक्स हो गया, बिनायंस हो गया, ऐसे काफी सारे क्रिप्टो करेंसी होते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। एक बार फिर से, इस वीडियो में मैंने आपको बोला सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड माइनर। माइनर कौन? जो मशीन लगाकर माइनिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक दूसरे की ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड और सॉल्यूशन करता है और उस रिकॉर्ड को फैसिलिटेट करता है और यूनिवर्सल लेजर में फ्लो कर देता है। दूसरा मैंने ये बोला कि एक्सचेंज में कॉइन लिस्टेड होता है, कॉइन एक्सचेंज में, एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, एक्सचेंज बता देता है कि मैं ये कॉइन एक्सेप्ट करता हूं और इसमें जो भी उसका रेट्स होते हैं वो रेट्स परचेस सेल डिमांड सप्लाई के कारण चेंज कर होते रहते हैं ऑटोमेटिकली, जिसपे एक व्यक्ति खरीद सकता है, दूसरा व्यक्ति बेच सकता है, सारे चीजों के लिए प्लेटफॉर्म वो एक्सचेंज होता है, राइट? तीसरा चीज मैंने बोला कि इस डिजिटल करेंसी को रखेंगे कहां? जेब में तो आएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा? वॉलेट चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसीलिए उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। ये वॉलेट प्रोवाइडर काफी सारे हैं, बहुत सारे एक्सचेंज वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, तो हमको वो एक्सचेंज से एक वॉलेट डाउनलोड करके या आइदर मोबाइल में या कंप्यूटर में रखना पड़ता है। उस वॉलेट में पैसे रिसीव करने के लिए भी एड्रेस मेंशन रहता है, पैसे पेमेंट करने के लिए भी एड्रेस मेंशन रहता है। हमको पैसे चाहिए तो उस एड्रेस को किसी को फॉरवर्ड करेंगे, उस एड्रेस को वो कॉपी करके हमको पैसे सेंड कर सकता है। वो एड्रेस ही हमारा, जैसे बैंक अकाउंट नंबर रहता है वैसे वो क्रिप्टो एड्रेस जो वॉलेट का रहता है वो हम किसी को भी दे सकते हैं हमारे पास क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए, और किसी का लेकर हम अपना क्रिप्टो करेंसी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वॉलेट की जरूरत होती है, राइट? माइनर बता दिया मैंने, एक्सचेंज जिसके थ्रू सेल परचेज हो सकता है, तीसरा मैंने बोला कि वॉलेट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला तरीका है कि हम एक्सचेंज से खरीद लें, कहां से बिटकॉइन आएगा, पहला एक्सचेंज से खरीद लेते हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति जिसको आप जानते हो कि उसके पास क्रिप्टो करेंसी, आप उससे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, उसके बदले फिएट करेंसी दे दीजिए इलेक्ट्रॉनिकली चाहे कैश में, राइट? अब कैश में देने वाला सही गलत, इसकी बात अपन कभी और टैक्सेशन के समय करेंगे, ठीक? तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला क्या बोला मैंने, एक्सचेंज से खरीदिए, दूसरा किसी व्यक्ति से खरीद लीजिए, तीसरा किसी भी जिसके पास वो है वॉलेट में पैसे हैं और उसको आप कुछ सामान देना चाह रहे हो जो कि नॉर्मल सामान है, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसने उसको माल दिया और उसके बदले क्रिप्टो करेंसी ले लिया, तो फिर ये भी आप कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका है कि माल बेचकर उसके बदले पैसे की जगह क्रिप्टो करेंसी ले ली, राइट? सबसे चौथा और इंपॉर्टेंट जो कि हमारे वीडियो का पहला चीज था वो था माइनर। जो माइनर माइनिंग करता है ना, वो माइनर को एक बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट कैसे मिलता है? जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ट्रांजेक्शन करता है तो ट्रांजेक्शन का एक चार्ज उसी क्रिप्टो करेंसी के एक छोटे हिस्से के रूप में कटता है, जस्ट लाइक बैंक चार्जेस बोलते हैं वैसे ट्रांजेक्शन चार्जेस कटता है। और उस प्रॉब्लम को, एक ट्रांजेक्शन के लेजर को सॉल्व करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए जितने भी माइनर लोगों ने
जितने भी माइनर ने अपना योगदान दिया उन माइनर में वो करेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली। तो ये चार तरीके से बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिटकॉइन एक्वायर करने तक का वीडियो था। अगले वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन से रिलेटेड या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टैक्सेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। एकदम दिल थाम के बैठिएगा, ये टैक्सेशन वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए क्योंकि काफी सारे दोस्तों के पास हमारे और आपके पड़ा हुआ है बिटकॉइन, उनको चाहिए कि वो फिएट करेंसी में पैसे मिले, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों कि दीपंकर भाई क्या करें, पैसे तो है लेकिन बिटकॉइन में है, दूसरी क्रिप्टो करेंसी में है, अब हम उसको कैसे मार्केट में लेकर आए, ये बात उनको खाई जा रही है। इसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ध्यान से देख लेना, नीचे लिख दूंगा। किसी को भी अगर सलाह चाहिए, लीगल सलाह चाहिए, तो जरूर मुझे याद करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बार फिर अपनी मिशन बता दूं, काफी सारे वीडियो से मिशन नहीं बताया, ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट ने कहा कि मेरा मिशन है भारत में कोई भी इंफॉर्मेशन टैक्स लॉ कॉर्पोरेट अकाउंट्स या बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, दीपंकर समद्दार अवेलेबल है। जरूर आप मुझे मेल करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आप देखते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और हर इन्फॉर्मेशन देना मेरी एक सामाजिक, पर्सनल और नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।